की देर रात उज्जैन पुलिस और तीन नामी गुंडों के बीच हुई जमकर फायरिंग, मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मी हुए घायल। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार अतुलकर को सूचना मिली कि रात 12 से 1 के बीच तपोभूमि से धर्म बदला जाने वाले रोड पर तीन बदमाश एक नीले रंग की मारुति 800 कार में एक साथ यात्रा कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक को मुखबिर ने जब उन तीनों बदमाशों के नाम बताए, उसके तुरंत बाद अधीक्षक अपनी टीम लेकर वहां पर एक खेत में रैकी करने लगा। बदमाशों की नीली कार देख पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी बीच बचाव करते हुए फायरिंग की। फायरिंग में तीनों बदमाशों को ढेर कर दिया। बदमाशों द्वारा फायरिंग में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मचारी भी घायल हो गए। देर रात घायल बदमाशों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। नए साल की शुरुआत के पहले दिन 1 जनवरी को गांधीनगर में नितेश उर्फ काऊ जन्मदिन पार्टी में गया था, जहां उसके एक दूसरे गुट से झगड़ा हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख काऊ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और पथराव में पुलिस की कार का कांच फूट गया। घटना को अंजाम देने में उसके साथ करण और सोहन पटेल भी था। इस घटना से पुलिस अधीक्षक ने नाराजगी जताते हुए गुंडों पर 60,000 का इनाम घोषित किया था। इनाम घोषित करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गुंडों और माफियाओं के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान के तहत कालू और काऊ के मकान को भी तोड़ दिया गया था और उसके बाद बेसब्री से पुलिस को इनका इंतजार भी था। रविवार को जैसे ही सूचना मिली तो सचिन अतुलकर ने एडिशनल SP क्राइम प्रमोद सोनकर और साइबर प्रभारी राजा राम वास्कले को उनके साथ आने को कहा। पुलिस अधिकारी की टीम लगभग 50 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल थे। ये थाना नीलगंगा क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व कुछ अपराध हुए थे गंभीर, जिसमें धारा 307 और बलवा के अपराध हुए थे। इसमें जो आरोपी थे, जो इन पे काफ़ी अपराध दर्ज हैं, जो मुख्य तीन इसमें आरोपी थे, जो कुछ समय पहले ही रासुका से भी छूट के आए थे, वहाँ से छूटने के तत्काल बाद ही उन्होंने पुनः अपराध प्रारंभ कर दिए, जिसमें तीन गंभीर अपराध घटित किए। उसके पश्चात से ही, चूँकि अपराधियों की प्रवृत्ति देख के आगे ये भी आशंका थी कि और भी अपराध घटित कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपराध घटित करते समय खतरनाक हथियार भी थे, पुलिस ने उसी दिन से लगातार इनकी पतारशी चालू की। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बदमाश इंदौर से उज्जैन आ सकते हैं। इस सूचना के माध्यम से अलग अलग पार्टियों का गठन किया गया और पूरे शहर में जहाँ पे जिस स्थान पे आने की जानकारी थी वहाँ पे लगातार पुलिस पार्टी ने गश्त करी और सर्चिंग करी है। उसी दौरान धर्मबड़ला से जो जवासिया रोड है, सर्चिंग के दौरान एक कार रोड पे खड़ी दिखी और चूंकि कार संदिग्ध टाइप की थी और सूचना वहीं पे थी, तो पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, जो भी पार्टियाँ पुलिस की थी, और कार के नज़दीक जाने पर जो व्यक्ति उसमें बैठा था, कार से उतरते हुए पुलिस पर फायरिंग उसने प्रारंभ कर दी। उसके पश्चात पीछे खेत में एक पुरानी झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर बना है, वहाँ से भी फायरिंग स्टार्ट हो गई। चूँकि पुलिस पार्टी ने कॉर्डन ऑफ कर रखा था, उन्हें गिरफ्तारी के लिए ललकारा गया, लेकिन लगातार वो पुलिस पार्टी पर फायर करते रहे। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें जो तीन बदमाश थे, जो पूर्व के अपराधों में जिनका नाम भी है और इन पे इनाम भी घोषित है, वो तीन बदमाश इसमें घायल हुए हैं, जिनके हाथ में और पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने तत्काल तीनों आरोपियों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां पे उनका वर्तमान में इलाज चल रहा है। इसमें जो पुलिसकर्मी साथ में, चूंकि ऐसे स्थान पे ये थे जहां पे इनको गिरफ्तारी के लिए पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और उसी दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई हैं, क्योंकि स्थान थोड़ा कीचड़ का था, खेत का स्थान था, वहाँ पे पकड़ने में और दौड़ भाग के समय कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई। क्या हालत है सर अभी? जो चिकित्सक हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है वर्तमान में जो है इनके जो खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन इनको रेफर करना पड़ेगा, तो वर्तमान में इन्हें इंदौर रेफर किया है।